चलिए अब हम उदाहरण 6 को हल करते हैं। उदाहरण 6 में हमें त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है और ये बताया गया है कि इस त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी की माध्यिका है। माध्यिका का मतलब है कि जो रेखाखंड एडी है वो भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी डी बी सी का मध्य बिंदु है। और इसके आधार पर आप एक बात और कह सकते हैं कि यदि डी बी सी का मध्य बिंदु है यानी बी डी बराबर डी सी होगा, तो ये एक जानकारी दी हुई है। दूसरी बात जो हमें बताई गई है वो ये है कि माध्यिका ए डी को हमने बढ़ाया है आगे बिंदु ई तक, और ये जो बढ़ाना है वो इस तरह से हुआ है कि जो अतिरिक्त लंबाई है डी ई की वो ठीक ए डी के बराबर है। यानी एक और सूचना हमें दे दी गई है कि इस ए ई में डी उसका मध्य बिंदु है, यानी ए डी बराबर डी ई है, ये बात हमें दी गई है। और फिर आगे कहता है कि यदि हम इस बिंदु को त्रिभुज के दो बिंदुओं बी और सी से मिला दें तो जो एक चतुर्भुज बनता है जिसका नाम आप ए बी ई सी कह सकते हैं, ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो ये इतनी जानकारियां हैं और हमें सिद्ध क्या करना है ये आपके सामने बात हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और उसके ठीक सामने जो त्रिभुज है ई सी डी, इस त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज ई सी डी, त्रिभुज ए बी डी यानी त्रिभुज ए बी डी जो सामने बना हुआ है, और दूसरा त्रिभुज ई सी डी, ई सी डी ये जो उसके ठीक सामने त्रिभुज बना हुआ है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आप पाएंगे कि बी सी और ए ई दो समानांतर दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काटती हैं बिंदु डी पर। इस कारण यहां जो कोण बन रहा है जिसे हमने लाल स्याही से अंकित किया है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज का कोण ए डी बी इस त्रिभुज के कोण ई डी सी के बराबर होगा। चलिए इसे लिख लें। हम लिखें कोण ए डी बी बराबर कोण, इस कोण को हम लिखेंगे ई डी सी, कोण ई डी सी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए आपस में बराबर हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में हमें दिया हुआ था कि डी बी सी का मध्य बिंदु, यानी आप कह सकते हैं कि बी डी बराबर डी सी या बी डी बराबर सी डी, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो इसे भी लिख लें बी डी बराबर सी डी। और एक चीज, एक भुजा आपका और मिलेगी जो रचना से मिल रही है आपके सामने। ये जो ए ई दिख रही है लंबाई, उसे हमने इस तरह से बनाया था कि डी से ई तक की जो लंबाई हमने बढ़ाई थी वो ठीक ए डी के बराबर थी। तो आप लिख सकते हैं ए डी बराबर ई डी, ए डी बराबर ई डी। अब देखिए तीन चीजें आपको बराबर मिल गई दोनों त्रिभुजों में। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आप देखिए भुजा कोण भुजा और यहां पर भी भुजा कोण भुजा, इस तरह से आप दोनों त्रिभुजों में देखिए कि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की क्रमशः दो भुजाओं और उसके बीच के कोण के बराबर है। और इन तीनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इन त्रिभुजों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम लिख लें त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ई सी डी के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम होने की स्थिति में आप देखिए कि इस कोण का संगत कोण ये यहां बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी का कोण बी, इस कोण की हम बात कर रहे हैं, वो त्रिभुज ई डी सी के इस कोण के बराबर होगा। तो आप इसको लिख लें, इस आधार पे आप लिख सकते हैं, यहां से लिखें हम कोण ए बी डी बराबर कोण ई सी डी, ये सर्वांग सम त्रिभुज के दो संगत कोण हैं जो आपस में बराबर हैं। अब आप देखिए अगर
कि ये जो कोण बनाने वाली भुजा है BC और CD, और वैसे ही यहाँ पर ये कोण बनाने वाली भुजा जो है AB और BD, अगर आप AB और CE को दो रेखाएं माने जिन्हें तिर्यक रेखा BC काट रही है, तो ये दोनों एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण बनाते हैं रेखा AB और EC, AB और CE, और तिर्यक रेखा BC उन्हें काट रही है, BC तिर्यक रेखा। तो इन परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि ये दोनों एकांतर कोण है, और चूंकि ये बराबर हैं इसलिए AB और CE दोनों समानांतर होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, इस परिणाम को, AB समानांतर है EC के। ये एक परिणाम आपको मिला कि ये जो चतुर्भुज ABCD है, ABEC है, इस चतुर्भुज में भुजा AB भुजा CE के समानांतर है। ठीक इसी प्रोसेस के आधार पर, ठीक इसी तरह से आप यदि इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करें तो आप पाएंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। यानी इन दोनों त्रिभुजों में भी आप पाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और सर्वांगसम होने के नाते आप ये कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। फिर आप देखिए AC और BE दो रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा BC काट रही है, उस स्थिति में ये जो कोण है वो इस कोण का एकांतर कोण है, और चूंकि दोनों बराबर हैं इसलिए आप बिल्कुल इसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि AC समानांतर BE। तो हम इस तरह की चीजों को संक्षेप में लिख लेते हैं कि इसी प्रकार आप दूसरी बात भी लिख सकते हैं कि भुजा AC भुजा BE के समानांतर है, AC समानांतर BE के। ये एक दूसरा परिणाम है, और इन दोनों परिणामों के आधार पर आप देखिए कि AB CE के समानांतर है और AC BE के समानांतर है। यानी आपके सामने एक ऐसा चतुर्भुज है जिनमें आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े एक दूसरे के समानांतर हैं, माने ये पहला जोड़ा यदि माने तो ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं, और यदि दूसरा जोड़ा इसको माने तो आप कह रहे हैं ये दोनों भी समानांतर हैं। तो ये चूंकि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म या दोनों जोड़े समानांतर हैं, इसलिए चतुर्भुज ABEC चतुर्भुज ABEC समांतर चतुर्भुज है। और यही आपको सिद्ध करना था। अब बहुत ध्यान से इस बात को देख रहे हैं होंगे, आप देख रहे हैं कि हमने पहले इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांगसम सिद्ध किया और बताया कि ये कोण इसके बराबर है, और चूंकि वो एकांतर कोण है इसलिए दोनों भुजाएं समानांतर हैं। ठीक इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि AC BC BE के समानांतर है, और इस केस में आप कह सकते हैं कि चूंकि दोनों जोड़े, एक जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा ये, आपस में समानांतर हैं, इसलिए ये चतुर्भुज ABEC एक समांतर चतुर्भुज है, और ये आपका उदाहरण सिद्ध होता है।